अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिवे पे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पिंटरेस्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं। पी इंटरेस्ट कहें या पिंटरेस्ट कहें, यह एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इस ऐप से आप डिफरेंट फ़ायदे ले सकते हो, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो, मुख्तलिफ तरीके इसमें हैं। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अपना जो क्रिएटिव वर्क है, अपने फ़ोटोज़ वगैरह, उनको आप शेयर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप इस ऐप से ले सकते हो क्योंकि ये एक फ़ेमस ऐप है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आप चाहे एंड्रॉयड यूज़ करें या आईफोन यूज़ करें, एक ही बात है, आपने पहले इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। लॉगिन करने के लिए, अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया तो साइनअप करें। साइनअप करने के लिए आप यहाँ पर अपना अकाउंट ऐड करें। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। सही है, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो ऐसे में आप अपना कोई भी गूगल अकाउंट ऐड करके या फेसबुक या फिर एप्पल अकाउंट से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। सही है, तो आपने पहले इस ऐप में अपना अकाउंट लॉगिन करना है। देखिए, इस ऐप के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मेनली जो दुनिया में लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं वो आइडियाज़ लेने के लिए, मतलब लाइफ स्टाइल आइडियाज़, जिसमें कि आप अपने होम को, अपने घर को कैसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे पिक्चर्स पे आप ये सीख सकते हो। स्टाइल एंड फैशन के बारे में आप आइडियाज़ ले सकते हो। रेसिपीज़ के बारे में आइडियाज़ ले सकते हो। डिफरेंट आइडियाज़ आप इस ऐप से ले सकते हो। बाकी अगर आप इसमें अकाउंट क्रिएट करो और आप ख़ुद से अपने फ़ोटोज़ शेयर करना स्टार्ट करो, ऐसे में आप जिस तरह के भी बिज़नेस करते हो, उस बिज़नेस के मार्केटिंग के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, इन मकासद के लिए आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप ये ऐप ओपन करोगे, सबसे पहले तो इसका ये होम पेज है, जिसमें ये फॉर यू पेज है, जिसमें आपको कुछ फ़ोटोज़ रिकमेंड हो जाएंगे। ये मोस्टली यहाँ पे ये वॉलपेपर टाइप के फ़ोटोज़ हैं। शॉर्ट वीडियोस भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ से आप ये फ़ोटोज़, अगर आप उर्दू पोइट्री वगैरह ढूंढना चाहें तो ये कैटेगरी, क्योंकि मैंने पहले से लाइक किया हुआ था इसलिए यहाँ पर आ गई है। तो ये होम पेज है जिसमें फॉर यू में आपको रिकमेंडेशन आएंगे, उसके अलावा जो भी आप फॉलो करेंगे उस तरह की इमेजेस आपको शो हो जाएंगे। फिर ये सर्च पेज है, सर्च पेज में देखें, एक तो टॉप में कोई पिक्चर आइकन है, यहाँ से आप कुछ भी फ़ोटो कैप्चर करोगे उसी तरह के इमेजेस फिर आपको नज़र आ जाएंगे। सही है, जैसे मैं यहाँ से गैलरी से एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करूँ। अब देखें, ये फ़ोटो जब मैंने यहाँ पे अपलोड किया है तो उस तरह के इमेजेस आ गए हैं। सही है, तो जिस तरह के इमेजेस आपको चाहिए होंगे वैसे इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करोगे तो फिर मोर लाइक दिस करके उस तरह के इमेजेस मज़ीद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक तो इसका ये काम है। उसके बाद फिर नीचे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि पोइट्री इन उर्दू, अफगान फ्लैग, डार्क वॉलपेपर, क्यूट, FPF क्या चीज़ होता है, फिर एनिमे एस्थेटिक्स, ड्राइंग प्रेफरेंस, ये पेज है। सेफ में जो भी आप सेफ पे रखेंगे जिस तरह के भी फ़ोटोज़, वो नज़र आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एल्बम बनाया हुआ था फ़नी पोइट्री नेम से, तो वो आ गया है फिर प्रो नाम से। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस, आपको जो फ़ोटोज़ वगैरह आप यहाँ पे पोस्ट करोगे या जिन बंदों को आप फॉलो करोगे या जो लोग आपको मैसेज करेंगे, वो मैसेजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और अपडेट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी फ़ोटो पोस्ट करने के लिए फिर दरमियान में जो प्लस बटन है इस पर आप क्लिक करोगे, आइडिया पिन पर आप क्लिक करोगे, फिर जो भी फ़ोटो आप अपलोड करना चाहते हो वो फ़ोटो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, या जो शॉर्ट वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो वो आप पहले यहाँ से सेलेक्ट करोगे। सही है, जैसे मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, ये फ़ोटो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब इस फ़ोटो को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करेंगे, एक तो इसकी साइज़ क्या रखें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्क्वायर फ़ोटो रखना चाहते हो, जिस साइज़ में भी रखना चाहते हो, कुछ साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं तो इनमें से आप अपना साइज़ सेलेक्ट करें, डन पर क्लिक करें। उसके अलावा मीडिया, मज़ीद अगर आप ज़्यादा फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहो तो ऐसे में फिर ये एक वीडियो बन जाएगी। सही है, अब ये फ़ोटो है, अगर आप ज़्यादा फ़ोटोज़ ऐड करोगे तो ये वीडियो बन जाएगी। फिर अगर आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सही है ना, फिर इस टेक्स्ट को भी फर्दर यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फॉन्ट्स हैं, सॉरी, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ फिर बैकग्राउंड ऐड करना है इस टेक्स्ट को, या फिर इस टेक्स्ट को किस साइज़ में किस साइड में रखना चाहते हो, तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हो अपने फ़ोटो में। सही है, इसका क्या काम होगा, देखें, आपका कोई ब्रांड है, आप अपना कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, उसके साथ आप कुछ फेमस कराना चाहते हैं, कोई नेम, कोई लोगो या फिर, तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है नेम वो ऐड कर रहा हूँ। सही है, ऐसे आप अपने अकाउंट्स जो जहाँ पर भी आपने बनाए होंगे उनको आप फेमस कराने के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
उसके साथ फिर म्यूज़िक अगर आपने ऐड करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक्स आ जाते हैं, सर्च पे जाके ऊपर आप सर्च करके भी फाइंड कर सकते हो। फिर ऑडियो जो आप अगर रिकॉर्ड करना चाहो वॉइस ओवर करके, तो ऐसा इस तरह फिर आप अपने इसको वीडियो में चेंज कर सकते हो। फिर स्टिकर्स कोई ऐड करना हो इस इमेज के ऊपर तो वो कर सकते हो, किसी को मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर सकते हो। साथ ही ड्रॉ का ऑप्शन है, कुछ ड्रॉ करना चाहे तो आप ड्रॉ भी यहाँ पर कर सकेंगे। और उसके साथ फिर फिल्टर्स हैं, यहाँ पे जो भी फ़िल्टर आपको अच्छा लगे वो फ़िल्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर भाई ऊपर जो टॉप में नेक्स्ट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइटल आप लिखें जो भी टाइटल आप लिखना चाहते हैं, और उसके साथ कुछ हैशटैग्स वगैरह भी ऐड करें और डिटेल्स ऐड करें इसके साथ, जैसे कि राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पिन हेयर एड एन इंग्रीडियंट एंड सप्लाई लिस्ट। तो यहाँ पे आप इसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और नीचे जो पब्लिश लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर आपका ये पिन जो है, आपका जो इमेज है इसको यहाँ पे पिन कहते हैं, तो वो यहाँ पे आपके अकाउंट में पिन हो जाएगा, सही है। इसके अलावा आपने जो अकाउंट बनाया है उस अकाउंट को भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। उसके लिए देखें टॉप में जो तीन डॉट हैं इसके ऊपर एडिट पब्लिक प्रोफाइल, फिर यहाँ पर आप नेम ऐड करें अपना, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नेम ऐड करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे अपना नेम ऐड किया, सही है। और उसके साथ फिर अपने वेबसाइट की लिंक आप यहाँ पे दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी भी वेबसाइट में आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, ऐसे में देखें यहाँ पे इमेजेस, जब लोग गूगल में आपका इमेज लोगों के सामने आ जाएगा उसके थ्रू आपकी वेबसाइट में विजिटर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आप ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा आप देखें क्रिएटेड बाई यू जो इमेजेस, जो पिंस आप यहाँ पर अपलोड करोगे वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, और जो आप अपने यहाँ पे रखोगे मतलब सेव्ड करके कलेक्शंस बना के वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह के भी इमेजेस आप फाइंड करना चाहो वो आप यहाँ पे सर्च करके फाइंड कर सकते हो, सही है। तो ये है दोस्तों पिंटरेस्ट ऐप जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह के इमेजेस फाइंड करने के लिए या अपने इमेजेस पोस्ट करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पिंटरेस्ट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।